अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं मुबीन डीजे ट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूं ताकि आपके भी इलम में इजाफा होता रहे। ठीक है, तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो अगर आपने भी एक ख़ास स्पेशल डीजे तैयार करवाना है तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक हमने स्पेशल डीजे जो कि सिद्धू मूसेवाला के ट्रैक्टर पर लगाया जाता है, उस तरह का सेम टू सेम हमने डीजे तैयार किया है। और इस तरह के आपने कई यानी कि पाकिस्तान में जो बनते हैं डीजे देखे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपने इस तरह का डीजे पाकिस्तान में हमारे पास पहली मरतबा देखा होगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये है हमारा एम्पलीफायर। ठीक है, ये वाला जिसके आगे चौरस MP3 लगाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही कमाल के स्पेशलिस्ट कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं ओरिजिनल तशीबा जवान के। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको बता दूं लगना क्या क्या है। 2 12-12 इंची के स्पेशल वूफर स्पीकर लगाए हैं और साइडों पे हमने लगाए हैं 6 6 इंची के स्पीकर विद लाइटिंग। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले आपको इसके अंदर से दिखा दूँ कि इसके अंदर से मैंने क्या लगा रखा है। तो ये देखें, ये मैंने इसको ओपन कर दिया, इसके अंदर फ़िलहाल करंट चालू है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये देखें, इसके अंदर हमने ओरिजिनल सामान ओरिजिनल कंपोनेंट्स स्पेशलिस्ट लगाए हैं और इसके नीचे जो हमने लगाया है इसका हीट सिंक, चाहे ये 24 घंटे चले चाहे ये 48 घंटे चले, यानी जितने मर्ज़ी चले टाइम पे चले, ये हमारा एम्पलीफायर ख़राब होने वाला भी नहीं है और हीट होने वाला भी एम्पलीफायर नहीं है। तो आपको बता दूं कि इसके साथ बॉक्स कौन सा लग रहा है, बॉक्स भी आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये है हमारा बॉक्स। ये देखें, इसके फ्रंट पे मैंने लगाए हैं 12 12 इंची के स्पेशल वूफर स्पीकर और 2 ट्यूटर लगाए हैं। ठीक है, और स्पेशलिस्ट लगाई है हमने हाई ट्यूटर। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी आवाज़ की क्वालिटी बहुत ही कमाल की हो जाती है और इसके ऊपर हमने जो है स्टील का क्रोम लगाया है। और ये देखें, ये है इसके पाइप जहाँ से हमारी बेस की थ्रो निकलनी है। ठीक है, तो ये हमारे बेस के सुराख हैं और ये ऐसे ही है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो और एक बात आपको बता दूं कि ये देखें, ये हमारी है साइड, ये देखें, ये 6 6 इंच के वूफर लगे हुए हैं। ठीक है, 6 6 इंच के ओरिजिनल, और ओरिजिनल ही हमने जापानी किस्म की जो है जाली वगैरह लगाई। और उसके बाद मुबीन, ये हमारा लोगो है। ठीक है, पाकिस्तान में हमने इसको तैयार किया है। अगर किसी भाई ने कॉन्टैक्ट करना हो तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसको टेस्टिंग करवाने की। इसके अंदर लाइटिंग भी बगाड़ा बहुत अच्छे तरीके से मैंने की है, तो अब मैं इसकी आपको करवाता हूँ टेस्टिंग। तो ये देखें, ये है इसका रिमोट कंट्रोल, ये इसका रिमोट कंट्रोल है। तो अब मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करवाता हूँ। बहुत ही कमाल का साउंड है यार, पंच बहुत ज्यादा है। बहुत ही कमाल का साउंड है, आप इसको देखेंगे तो यार कमाल है। तो ये साइडों के स्पीकर हैं हमारे और हमारे फ्रंट पे भी ये स्पीकर है, ये चेक करें जरा। माइक में इसकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती, जब आप इसको लाइव सुनेंगे तो तब आपको मजा आएगा, जरूर आएगा। तो अभी साउंड दोबारा चेक करें। ये सिद्धू मूसेवाला के ट्रैक्टर पर इस तरह के म्यूज़िक लगाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी किसी ने हम लगवाने हो तो हमसे रابطہ कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। बहुत ही कमाल का साउंड है। और ये साइडों वाले हमारे स्पीकर हैं, ये भी चलते हैं। तो
तो व्यूवर्स आपने चेक कर लिया होगा कि इसका साउंड किस तरीके से इस माइक में हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, ठीक है। तो किसी भाई ने इस तरह का मुकम्मल प्रोजेक्ट चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। अगर किसी भाई ने डिलीवर करवाना हो पूरे पाकिस्तान में, इसकी होम डिलीवरी भी मौजूद है। तो ये देखें, ये हमारा एम्पलीफायर है और ये हमारा रेगुलेटर जो है ना, ये वाला MP3 मॉड्यूल, ये भी आपको ये पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने चाइना से ख़ुद से अपग्रेड करवाया है, यानी कि मंगवाया है। तो ये दोबारा इसका साउंड चेक करें, ये चेक करें। तो इसके ये साइडों पे भी स्पीकर लगे हुए हैं, मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, ये चेक करें। तो ये चेक करें, ये भी स्पीकर लगे हुए हैं और इधर भी हमारा मोनोग्राम लगा हुआ है। तो अभी ये चलने वाले हैं। तो व्यूअर्स आपने चेक कर लिया होगा कि किस तरीके का इसका साउंड है, इसका क्वालिटी है, ये चेक करें। तो ये किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये पीस लगाना किस ट्रैक्टर के ऊपर है। ये हमारे बहुत ही स्पेशल भाई हैं जिन्होंने ये हमारे से परचेस किया है। तो ये आपको बता दूँ ये कौन से ट्रैक्टर पे लगना है। ये 4x4 85 ट्रैक्टर के ऊपर इसकी फिटिंग होनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और किसी भाई को इस तरह का मुकम्मल प्रोजेक्ट इससे भी हाई लेवल का चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर फरमाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।